जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर मैं लेकर आया हूँ। जितने भी हमारे पेंशन भोगी हैं दोस्तों, पेंशन रिवाइज को लेकर एक बड़ी खबर है यहाँ पर। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट 24/5/2021 यानी कि दोस्तों आज की एक बड़ी अपडेट मैं लेकर आया हूँ सभी पेंशन भोगियों के लिए। कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। सच्चा सैनिक यूट्यूब न्यूज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर दोस्तों जो पीसीडी की ऑफिशियल साइट खोल रखी है उसके जस्ट नीचे आपको यहां पर दोस्तों दिख रहा होगा कि ऑफिसर्स की जो अपडेट हुआ है यहाँ पर 24/5/2021 को पेंशन रिवाइज हुई, और यहाँ पर JCO OR की जो अपडेट हुई है वो ये दोस्तों 24/5/2021 को, यानी कि 24/5/2021 सेम डे आज के दिन यहाँ पर अपडेट आया है। बहुत बड़ा अपडेट मैं कहना चाहूँगा दोस्तों आया है। आप किस प्रकार से देख सकते हैं, कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है या इश्यू आता है हमें कमेंट बॉक्स के में बता सकते हैं दोस्तों, या मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा आप कहां से इसका समाधान कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों आप यहां पर JCO ORS है यहां पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो PCDA कंट्रोलर है दोस्तों, यानी कि PCDA इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यानी कि MIS ऑफ है JCO ORS प्री 2016 रिवीजन। आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक बड़ी टेबल यहाँ पर जारी हो गई है, लेकिन आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा दोस्तों, मैं अभी आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दिख रहा होगा दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस कोड, और उसके जस्ट सामने रिकॉर्ड ऑफिस नेम। जी हाँ दोस्तों, यही रो आपको आपका जो यहाँ पर जो अपडेट आई है उसको देखने में दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों यही से, यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस नेम के जरिए आप सबसे आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों आपको अपना रिकॉर्ड ऑफिस सबसे पहले देखना है इस रो में। जैसे ही मान लीजिए दोस्तों आपका रिकॉर्ड ऑफिस है ये, तो इसके जस्ट सामने आप यहां पर देखेंगे, और इसके मैं एक बार दिखा देता हूं दोस्तों लास्ट में जो होगा फाइनलाइज केस। जी हां दोस्तों, यदि आपका जो केस है वो भी फाइनल हो चुका है आपकी पेंशन को लेकर, तो दोस्तों आपका भी इसी में यहां पर डाल दिया जाएगा। आपको जिस तरह से मान लीजिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैंने बोला था ये 11 नंबर सीरियल नंबर RO रिकॉर्ड ऑफिस, यहां पर बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो हमें यहां पर क्लिक करना होगा फाइनलाइज केस पर दोस्तों। उसके साथ ही आप यहां पर देख पाएंगे दोस्तों आपके जो ओरिजिनल PPO, यानी कि दोस्तों जो आपके पास अभी पेंशन भोगियों के पास अभी आपके जो पास EPPO वो हैं ये वाले दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं ओरिजिनल PPO करके, ये आपके पास अभी अवेलेबल हैं। और दोस्तों आप अपना यहां पर बिल्कुल जस्ट इनके सामने आपका नया EPPO नंबर पहले यहां पर जारी कर दिया गया, आप देख सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने चेक किया कि आपका जो ओरिजिनल EPPO नंबर है वो है दोस्तों ये वाला, तो इसके जस्ट सामने ही आपको न्यू EPPO नंबर यहां पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसके जरिए आपकी जो पेंशन रिवाइज हुई है उसको लेकर आपके लिए बड़ा अपडेट है। जी हां दोस्तों, पूरी यहां पर रो है बिल्कुल लास्ट तक आप देख सकते हैं, और यहां पर आप एक बार और गौर करिएगा दोस्तों, यहां पर बिल्कुल जो ये टेबल है इसके जस्ट नीचे एक लाइन से जारी कर दी गई है PCDA इलाहाबाद के द्वारा दोस्तों कि All these EPPO have been handed over to DPCC, यानी कि जो सभी EPPO हों उन्होंने हैंड ओवर कर दिए हैं डिफेंस पेंशन कॉन्टैक्ट सेंटर को, टू ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस। यदि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है दोस्तों, आपको कन्फ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता, तो आप अपने एक बार प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस, आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में एक बार कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपकी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आपकी मदद ज़रूर की जाएगी हमारे द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही एक बड़ी अपडेट थी, और यदि आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, आपकी हेल्प हमारे द्वारा ज़रूर की जाएगी। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना दोस्तों प्लीज़ मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।